हिमाचल प्रदेश में लगातार बरसात का सिलसिला जारी। मूसलाधार बरसात की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं और इसके कारण कई सड़कों पर आवागमन ठप। इस बीच मौसम विभाग ने शिमला, सिरमौर और चंबा में कुछ जगहों पर फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया। चेतावनी को ध्यान में रखते हुए लोगों को एहतियात बरतने को कहा गया है और नदी नालों के आसपास नहीं जाने की सलाह दी गई है। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। प्रदेश के हर एक इलाके तक मॉनसून इस वक्त पहुंचा हुआ है। हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान था कि आज सुबह 11:30 बजे तक प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश के साथ साथ बाढ़ आ सकती है। फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी की गई थी। हालांकि सुबह के समय भारी बारिश हुई और कई जगह पर देखा गया कि पानी जलस्तर बढ़ा और कई जगह जो छोटे छोटे नाले भी थे उनमें पानी का जो स्तर है वो ज्यादा पाया गया। हालांकि अभी की अगर बात करें तो शिमला में कई दिनों बाद मौसम ठीक हुआ है, यहाँ पर धूप खिली है। तस्वीरें आपको दिखाना भी चाहेंगे कि इस वक्त यहाँ धूप खिली हुई है। हालांकि रोजाना यहाँ पर बादल रहते थे शिमला में और कई क्षेत्रों में, लेकिन आज थोड़ी राहत मिली है और आसमान में जो है नीला आसमान सामने आप देख सकते हैं कि वो दिख रहा है बादलों के बीच में और फिर सूर्यदेव भी बीच बीच में दर्शन दे रहे हैं। हालांकि इस मौसम में पर्यटक भी इस क्षेत्र का रुख कर रहे हैं, लेकिन चेतावनी जरूर जारी की गई है कि जब भी बारिश का अलर्ट हो उस वक्त खास ख्याल रखा जाए, ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। और मौसम विभाग की तरफ से जो आज बुलेटिन जारी किया गया है उसमें 14 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया गया है और उसमें ऊंचाई वाले, मध्यम ऊंचाई वाले और निचले इलाकों में बारिश हो सकती है, इस तरह का अलर्ट जारी किया गया है। और अभी भी आप देख सकते हैं कि शिमला में इस वक्त अच्छा मौसम बना हुआ है क्योंकि पहले यहाँ पर सुबह के समय तेज बारिश यहाँ हुई है और पिछले 2-4 दिन से लगातार जो बारिश का दौर चला था तो बादल छाए हुए थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरह से मौसम थोड़ा करवट बदला है मौसम ने और नीला आसमान भी दिख रहा है तो सुकून जरूर लोगों को मिला है। लेकिन अभी भी क्योंकि बारिश का अलर्ट जरूर है और उसमें 14 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अगर प्रदेश में सड़कों की स्थिति की बात करें तो 70 के करीब सड़क मार्ग अभी भी अवरुद्ध चल रहे हैं और जो बिजली के ट्रांसफार्मर पहले बहुत ज्यादा थे, 300 से ज्यादा उनकी संख्या थी, वो भी घटकर 80 के आसपास रह गए हैं, तो उनको ठीक करने का काम जो है वो शुरू किया गया था। तो ऐसे में अब बेशक ये जो मानसून शुरुआती मानसून है उसमें प्रदेश में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी एहतियात बरतने की जरूरत है क्योंकि इस वक्त कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लैंडस्लाइड हो सकता है या फिर पहाड़ियों से पत्थर गिर सकते हैं, चट्टाने खिसक सकती हैं या फिर लैंडस्लाइड जो हादसे गिरते हैं, इस तरह की भी घटनाएं सामने आती है तो हादसे का खतरा बना रहता है। और नदी नालों के करीब बिल्कुल भी ना जाएं क्योंकि कभी भी नदी नालों का जलस्तर बढ़ सकता है। पहाड़ों पर जब बारिश होती है तो नदी नालों का जलस्तर बढ़ जाता है तो ऐसी स्थिति में नुकसान भी हो सकता है, इस बात का सभी को ख्याल रखना चाहिए। फिलहाल इतना जरूर है कि अभी मानसून जिस तरह से अब सक्रिय हुआ है शुरुआती दिनों में नुकसान बेशक कम है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत जरूर है। वीडियो जनशंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला। मौसम विभाग ने जिस तरह भारी बारिश की चेतावनी दी है उसी के चलते जिला कांगड़ा में एक बार फिर से झमाझम बारिश शुरू हो चुकी है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि आसमान से जो है वो बरसात का पानी बरसना शुरू हो चुका है। एक बार फिर से भारी बारिश जो है वो जिला कांगड़ा में हो रही है। धर्मशाला की बात करें तो धर्मशाला में भी अच्छा खासा मौसम खराब हुआ और उसके बाद जोरदार बारिश शुरू हुई है, तो कहीं ना कहीं जो तापमान तपा हुआ था वो तपता हुआ तापमान अब ठंडा होता हुआ नजर आया है। और इसी तरह से भारी बारिश की चेतावनी जो है वो सटीक बैठी है, यानी कि मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी उसके अनुसार एक बार फिर से जोरदार बारिश जो है वो जिला कांगड़ा में शुरू हो चुकी है। इस भारी बारिश से अब नदी नाले जो हैं फिर से उफान पर आएंगे, तो कोई भी व्यक्ति नदी नालों के पास ना जाए और एडवाइजरी जो जारी की गई है उसका ध्यान रखे। ऐसे में जो भारी बारिश हो रही है, ये भारी बारिश जिला कांगड़ा में कई हिस्सों पर इसी तरह से जोरदार बारिश शुरू हुई है। सुबह हालांकि मौसम जो है वो खुल चुका था, लेकिन उसके बाद अब दोपहर को जाकर के भारी बारिश शुरू हुई है। इस भारी बारिश से जहां एक तरफ किसानों की फसल को लाभ होगा, वहीं दूसरी ओर नुकसान भी इस भारी बारिश से होते हैं क्योंकि जो लैंडस्लाइड जोन है वहां पर अक्सर लैंडस्लाइड देखे जाते हैं। कई पेड़ भी पहली दो बारिशें हुई थी उनमें से कई पेड़ भी गिरे थे, कई नुकसान हुआ था, लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरह से भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है उस चेतावनी के चलते
क्या ये बारिश वाकई में नुकसान लाएगी या फिर ऐसे ही मेघ बरसकर शांत हो जाएंगे। देहरा से कैमरामैन अनु शर्मा के साथ मनोज धीमान, खबरें अभी तक।